आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड हंटर 350 सीसी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं इसके एडवांटेजेस से। पहला जो एडवांटेज है वह है इसका वेट। ये अभी तक की रॉयल इनफील्ड की सबसे हल्की बाइक है। वेट इसका अगर बात करें तो 177 केजी इसका सिर्फ वेट मिलता है आपको विदाउट एनी एक्सेसरीज। तो सबसे सस्ती की बोल रहा हूँ, सबसे हल्की रॉयल इनफील्ड सीसी की बाइक है। अभी बात करते हैं दूसरे एडवांटेज के बारे में, वो है इसका प्राइस। जहाँ बाकी रॉयल इनफील्ड की बाइक्स अराउंड 2,10,000 या 2 लाख रुपए एक शोरूम से शुरू हो रही, क्लासिक 350 की बात करें तो अराउंड 2 लाख का एक शोरूम आपको उसका देखने के लिए मिल रहा है, वहीं रॉयल इनफील्ड हंटर 350 सीसी 1,60,000 के आसपास एक शोरूम शुरू हो रही है। तो 2 लाख के आसपास इसका टॉप मॉडल आपको मिल जाएगा ऑन रोड, तो बहुत अच्छी बात है ये। तीसरा एडवांटेज है बाइक का परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जो इसमें 350 सीसी का इंजन मिल रहा है वही इंजन सेम आपको क्लासिक 350 और मीटियो 350 में भी देखने के लिए मिलता है, बट उन बाइक से वेट काफ़ी ज़्यादा हल्का है इस बाइक का, तो परफॉर्मेंस उन दोनों बाइक से ज़्यादा बेटर है इस बाइक की। तो लो एंड और मिड एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है आपको हंडर 350 सीसी में। चौथा जो एडवांटेज है बाइक का वो है इसका ओवरऑल लुक्स। सिंस ये यंगर जनरेशन के लिए रॉयल इनफील्ड ने बाइक बनाई है, तो ओवरऑल जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है, जो इसका लुक है, वो आपको थोड़ा स्पोर्टी नेचर का मिलेगा। रेट्रो लुकिंग बाइक है बट मॉडर्न दिखती है पूरी की पूरी। अलॉय व्हील्स आपको देखने के लिए मिलते हैं इस बाइक में। खैर ये टॉप मॉडल है, अगर बेस मॉडल में जाओगे तो स्पोक व्हील्स मिलते हैं, बट ओवरऑल जो बाइक का लुक है वो काफी फंकी और काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है आपको अंडर 350 सीसी का। पांचवा एडवांटेज है बाइक का ब्रेकिंग। बाइक में आपको देखने के लिए मिलता है डुअल चैनल ABS और परफॉर्मेंस दोनों ब्रेक्स की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एक और जो एडवांटेज आपको देखने के लिए मिलता है हंडर 350 सीसी में वो है इसका टायर साइज। हमेशा हमको बाइक्स में एक ही प्रॉब्लम दिखी है, वो है इसका टायर साइज, स्पेशली बजाज की बाइक में। रॉयल इनफील्ड भी ज्यादा कुछ अच्छा देता नहीं था, बट हंडर 350 में आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है जो फेयरली मोटा है, पीछे का लुक पूरा का पूरा अच्छा बना देता है, खराब बिल्कुल नहीं करता है। फ्रंट की बात करें तो अगेन आपको 110 सीसी का टायर देखने के लिए मिलता है जो अच्छी खासी ग्रिप ऑफर करता है और काफी अच्छा लगता है देखने में। एक और जो लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है बाइक का वो है इसका चार्जर। मीटियोर 350 का मेट्रो वेरिएंट है ये। पार्टी बदल लिया साला। मीटियोर 350 बोल रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मेट्रो वेरिएंट है ये, इसमें आपको इनबिल्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है, तो अगर आप लॉन्ग रूट भी करोगे तो इससे मोबाइल चार्ज कर सकते हो और कनेक्टेड रह सकते हो अपने यारों दोस्तों से। अभी बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। जो पहला डिसएडवांटेज मुझे लगा इस बाइक में वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। बाइक की सीट हाइट थोड़ा सा नीचे करी है रॉयल इनफील्ड ने ताकि शॉर्ट राइडर्स भी इसको कंफर्टेबली चला पाएं, बट उसका डिसएडवांटेज ये हुआ है कि ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफी कम देखने के लिए मिल रही है इसमें, एंड अगर आप ये इंजन गार्ड लगा लेते हो तो थोड़ा सा और कम हो जाती है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। अगर ज़्यादा बड़े बम्प आते तो पूरा का पूरा पत्थर इसमें लगते हैं, बट ये इंजन को सेफ तो कर रहा है आपका लेकिन थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गई है, तो ऑफ रोडिंग इतना इस बाइक में आप नहीं कर पाओगे। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है बाइक का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। रॉयल इनफील्ड सब बाइक्स में अपनी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रहा है आज की डेट में, बट वहीं बात करें रॉयल इनफील्ड हंडर 350 सीसी की, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो आपको देखने के लिए मिलता है मेट्रो वेरिएंट में, बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अभी नहीं मिल रही है आपको इसमें। अगर ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दे देते तो अच्छा हो जाता, बट अगेन थोड़ा सा प्राइस इस बाइक का बढ़ जाता। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका हेडलाइट। मेट्रो वेरिएंट में जो बैक लाइट है वो तो LED मिल जाती है, बट फ्रंट हेडलाइट LED नहीं मिलती है, जो अगेन आई गेस कॉस्ट कटिंग के लिए रॉयल इनफील्ड ने नहीं दी है इस बाइक में, बट अगर दे देते तो अच्छा हो जाता क्योंकि आजकल सब बाइक में देखने के लिए मिलता है। इवन TVS की रेडर 125 सीसी की बात करें जो 1 लाख रुपए की बाइक है उसमें भी आपको LED देखने के लिए मिलती है, तो ये 2 लाख की बाइक है इसमें देना बनता था LED हेडलाइट। एक और डिसएडवांटेज मैं इसमें बोलूंगा, वो खैर अगेन कॉस्ट कटिंग के लिए रॉयल इनफील्ड ने किया होगा आई एम श्योर, बट इसमें कोई भी एक्सेसरीज देखने के लिए नहीं मिलती आपको। जो ये बाइक दिख रही है देखने में काफी अच्छी लग रही होगी लेकिन इसमें काफी सारी एक्सेसरीज ओनर ने लगवा रखी है, जैसे क्रैश गार्ड लगा हुआ है, तो ओवरऑल इसका लुक काफी अच्छा मस्कुलर बना रहा है। पीछे आपको रियर प्लियन के लिए बैकरेस्ट देखने के लिए मिलता है, ये भी एक्सेसरी में आता है, कंपनी इसको ऑफर नहीं करती है। जो आपने इंजन गार्ड देखा लगा हुआ ये अगेन एक्सेसरी में आता है, कंपनी ऑफर नहीं करती है। ये जो विंडशील्ड आप यहाँ पे देख रहे हो ये अगेन लुक काफी अच्छा बना रही है, बट ये एक्सेसरीज का पार्ट है, बाइक के साथ आपको ये नहीं देखने के लिए मिलती है। अगर यही सारी एक्सेसरीज आपको लगवानी पड़ेगी, स्पेशली लगाओगे आप कंपनी से, तो 10,000 से 15,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे इसके लिए एक्स्ट्रा, तो इस बाइक का ओवरऑल जो प्राइस है ऑन रोड वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और एक और चीज जो आपको देखने के लिए नहीं मिलती एक्सेसरीज में वो है ये लेडीज फुटरेस्ट, ये आपको लगवाना है तो ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है, अलग से आपको लगवाना पड़ेगा, बाइक में नहीं मिलता है, तो ओवरऑल थोड़ा सा बाइक का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है इन एक्सेसरीज की वजह से। तो यही थे सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रॉयल इनफील्ड हंडर 350 के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस बाइक का अगर आप ओनरशिप रिव्यू या प्रोज एंड कॉन्स वीडियो देखना चाहते हो, और जो आप देख ही रहे हो हाई टेस्ट वीडियो देखना चाहते हो, तो साइड में दो लिंक आपको मिल रहे होंगे, जाके उन पे आप क्लिक कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना, और लाइक और शेयर करना बोलना। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।